ये गाना न जाने आप लोगों ने कितनी बार सुना होगा। इस गाने में हम उन शहीदों की बात करते हैं जिन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों को कुर्बान कर दिया। जो शहीद हुए हैं उनकी। लेकिन आज हम उन शहीदों की बात नहीं करेंगे, आज हम उस शहीद की बात करेंगे जिनकी प्रतिभा इसी गाने में ही कुर्बान हो गई थी। जो इस गाने के रिहर्सल तक तो सुरों के साथ बहुत डटी रही, लेकिन जैसे ही ये गाना मंच पर पहुंचा उनकी प्रतिभा की कुर्बानी ले ली गई। मैं जब एक रिसर्च कर रहा था तो उस रिसर्च में एक आर्टिकल पर मेरा ध्यान गया। जब मैं उस आर्टिकल को पढ़ा तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस आर्टिकल में सुमन कल्याणपुर जी ने खुद बताया है कि किस तरीके से उन्हें इस गाने से अलग कर दिया गया। और उनके प्रतिभा को कुर्बान कर दिया गया। सबसे पहले आपको उस आर्टिकल का एक हिस्सा पढ़ाना चाहता हूँ जिसमें सुमन कल्याणपुर ने अपने उस दर्द को बयां किया था। एक बार एक बातचीत के दौरान सुमन कल्याणपुर ने खुद ऐ मेरे वतन के लोगों गीत को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने यह गीत गाने के लिए मुझे बुलाया गया था, रिहर्सल भी हुई थी, लेकिन मंच के पास पहुंचते ही मुझे इस गाने की बजाय दूसरा गाना गाने के लिए कहा गया। कल्याणपुर ने यह कहा कि इस बात को लेकर अब तक पता नहीं लगा कि आखिर यह गाना उनसे क्यों छीना गया। गायिका ने कहा था कि पंडित नेहरू के सामने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाने का मौका मिला तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन जब कार्यक्रम के दौरान गाना गाने के लिए मंच के पास पहुंची तो मुझे रोका गया और कहा गया कि वे इस गाने की बजाय दूसरा गाना गाएं। ये गाना मुझसे छीना गया था, यह मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था, ये बात आज भी चुभती है। जरा याद करो कुर्बानी, कितना दर्द सहा होगा सुमन कल्याणपुर ने उस वक्त जब मंच पे ये कहा गया कि आप ये गाना नहीं गाएंगे, आप ये दूसरा गाना गाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम लता जी के शान में कुछ गुस्ताखी कर रहे हैं। हम तो सिर्फ आपको उस पर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि किस तरीके से प्रतिभाएं स्थानांतरित हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुमन कल्याणपुर की। जब राज हमारा आए हो तो देख लो दुनिया जरा, जीने वालों ले लो जीने का मज़ा। दोस्तों, सुमन जी के करियर को अगर हम देखें तो उनके साथ ये कोई नई घटना नहीं थी। दरअसल सुमन जी की गायकी इतनी परफेक्ट थी कि उनकी प्रतिभा और लोकप्रियता के कारण फिल्म इंडस्ट्री के ही एक बड़े ग्रुप के साजिशों का शिकार होना पड़ा था। बेरहम बॉलीवुड की साजिशों का शिकार होती रही सुमन कल्याणपुर जी। जिसकी काबिलियत को मानने के बावजूद हिंदी सिनेमा के संगीतकार और प्रोड्यूसर्स उन्हें काम देने से कतराते थे। उनके गाए गानों को फिल्म की रिलीज से पहले ही हटा दिया जाता था, यहाँ तक कि कैसेट में गाए गाने के बावजूद उनके कवर पर बाकी प्लेबैक सिंगर्स की तस्वीर तो होती थी लेकिन सुमन जी की तस्वीर गायब कर दी जाती थी। यहाँ तक कि टीवी पर भी जब भी उनके गानों का प्रसारण होता था तो कार्यक्रम की उद्घोषिका उनका नाम लिए बगैर उनके गानों को प्रसारित कर देती थी, जबकि बाकी जितने भी सिंगर्स के गानों का प्रसारण होता था गायक के नाम के साथ होता था। क्या थी सुमन कल्याणपुर जी के राइज एंड फॉल की कहानी, कैसे जमाने ने जिस फन के लिए उन्हें सर आंखों पर बिठाया लेकिन क्रूर फिल्मी दुनिया ने उसी के चलते
उन्हें वो मुकाम हासिल ही नहीं होने दिया जिसकी वह हकदार थी। किस्मत की थी दगाबाजी या फिर बदनसीबी का खेल, जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुमन कल्याणपुर 1937 में सुमन हेमाडी के रूप में जन्म ली एक ऐसे परिवार में जिसका कला और संगीत के प्रति विशेष रुझान था। बचपन की परवरिश के दौरान ही सुमन हेमाडी भी संगीत में खासी दिलचस्पी लेती। हालांकि संगीत के सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर परिवार की पाबंदियां भी थीं। सुमन हेमाडी जी के पिता सेंट्रल बैंक में बड़ा बाबू शंकर राव हेमाडी के रूप में काम करते थे, जिनकी 6 संतानों में सबसे बड़ी थी सुमन हेमाडी। नौकरी के सिलसिले में लंबे समय तक ढाका में रहने के बाद बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए शंकर बाबू ने 1942 में अपना तबादला मुंबई करा लिया, जहां सुमन जी की पढ़ाई सेंट कोलंबिया में हुई। वो बचपन में पेंटर बनना चाहती थी, लिहाजा उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में भी दाखिला ले लिया। 15 साल की उम्र तक उन्होंने एक भी हिंदी फिल्म तक नहीं देखी थी। हाँ, वो शौकिया तौर पर गाती जरूर थी। नूर जहां की आवाज में वह अक्सर नूर जहां के गाए गीत ही गाया करती थी। सुमन जी की आवाज तो हीरे जैसी थी पहले से ही। उनके पड़ोसी और पिता के मित्र केशवराव फूले ने इस हीरे की परख कर ली और उन्हीं के कहने पर सुमन जी ने शौकिया तौर पर गाना भी सीखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रियाज करती गई उनकी आवाज निखरती चली गई। उसके बाद उन्होंने उस्ताद खान, अब्दुल रहमान खान और गुरुजी मास्टर नवरंग जैसे दिग्गजों से संगीत की तालीम ली। दोस्तों, ये बात सही है कि गुरु केशव राव भोले ने 1952 में ऑल इंडिया रेडियो में उन्हें गाने का मौका दिया। परिवार की बंदिशों के बावजूद सुमन जी मना नहीं कर पाई और पहली बार उनकी आवाज ने दर्शकों के कानों पर दस्तक दी। लगभग 1 साल बाद उन्हें मराठी फिल्म सुकराची चांदनी में गाने का मौका मिला। फिल्म रिलीज हुई और डायरेक्टर शेख मुख्तार ने देखी। उनके जहन में सुमन जी की सुरीली आवाज ने जगह बना ली। उन्होंने सुमन जी को अपनी अगली फिल्म मंगू में गाने का मौका दिया। फिल्म में मोहम्मद शफी संगीत दे रहे थे। बाद में फिल्म में संगीत देने की जिम्मेदारी ओपी नैयर साहब पर आ गई। सुमन जी ने फिल्म में 3 गीत गाए थे, लेकिन ओपी नैयर साहब ने उनके सिर्फ एक लोरी को ही फिल्म में शामिल किया और वो गाना था कोई पुकारे धीरे से तुझे। और दोस्तों, यही वो गाना था जिसमें सुमन हेमाडी का हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगर का सफर शुरू हुआ। दोस्तों, यही वो एकमात्र गीत है जो सुमन जी ने ओपी नैयर साहब के संगीत निर्देशन में गाया था। इसके बाद वो तलत महमूद जैसे फनकारों के साथ उन्होंने पहली बार हिंदी सिनेमा में जुगलबंदी की। और फिल्म का नाम था दरवाजा। सुमन हेमाडी 1958 में एक तरफ वो हिंदी सिनेमा में पांव जमा रही थी, उसी दौरान मुंबई के एक व्यवसायी रामानंद कल्याणपुर से उनकी शादी हो गई और शादी के बाद सुमन हेमाडी सुमन कल्याणपुर हो गई। अपना बना के गया फूल रे परदेसी बालम किसको। सुमन जी की आवाज चूंकि लता जी से बहुत मिलती थी, लोग धोखा खा जाते थे। उनके और लता जी के गाए गीतों में फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल होता था और इसी बात का फायदा फिल्म प्रोड्यूसर्स ने उठाया, जिन्हें लता मंगेशकर की डेट्स नहीं मिल पाती थी। 1959 में आई फिल्म चांद में हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में सुमन कल्याणपुर और लता जी की सुरीली आवाज को एक साथ एक ही गाने में पेश कर दिया गया। शैलेंद्र के लिखे इस गीत में फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल था कि कौन सी आवाज सुमन कल्याणपुर की है और कौन सी लता जी की। कभी कल, कभी परसों,
ऐसे ही बीते बरसों। सुमन कल्याणपुर की आवाज का यह सुरीलापन ही उनके रास्ते का रोड़ा भी बन गया। एक तरफ सुरीली आवाज के लिए लता जी को खूब काम मिलता, वहीं सुमन जी को संगीतकार इसलिए मौका नहीं देते थे कि उनकी आवाज लता जी से मिलती थी और वो संगीतकार लता जी की नाराजगी को नहीं मोल लेना चाहते थे। सुमन जी की हिंदी सिनेमा में एंट्री भी ऐसे समय पर हुई जब दुनिया पर लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज की दीवानगी छाई हुई थी। उनके स्टार्डम के आगे बेहद प्रतिभावान सुमन जी को हमेशा दूसरी कतार में ही खड़ा होना पड़ा। दोस्तों, इसे कुदरत का करिश्मा कहें या नाइंसाफी, बेरहमी कहें या कुछ और, बेहद सुरीली और ओरिजिनल आवाज के बावजूद सुमन जी की तुलना हमेशा लता जी से की गई। सुमन जी की आवाज की कशिश का कमाल था कि उनका गाया शायद ही कोई ऐसा गीत हो जो हिंदी सिनेमा के चाहने वालों की जुबान पर ना चढ़ा हो। हर दौर में हर पीढ़ी ने उन्हें पसंद किया है। आज कर तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर जबान पर। अच्छा। सबको मालूम है और सब। बेहद सहज और सरल स्वभाव की सुमन कल्याणपुर जी ने चुपचाप बेरहम हिंदी सिनेमा जगत के जुल्म को सहती रही और उफ तक नहीं किया। उन्होंने कभी भी किसी से इस बात की शिकायत नहीं की कि उन्हें काम के लिए क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है। सुमन जी के उन सुपरहिट गानों में 1979 में आई फिल्म दादा के इस गीत में सुमन कल्याणपुर जी की आवाज को सुनने वाले बेहद भावुक हो उठते थे। हिंदी सिनेमा के पर्दे के पीछे उनके खिलाफ साजिशों के खूब दौर चले। बॉलीवुड में उनके रास्ते मुश्किल होते जा रहे थे, उन्हें गिने चुने मौके ही मिल पा रहे थे और 1980 आती आती उनका मन हिंदी सिनेमा और प्लेबैक सिंगिंग से उगने लगा और धीरे धीरे वो भी अब हिंदी सिनेमा से किनारा करने की तैयारी कर रही थी। हिंदी सिनेमा में उनकी मुश्किलें इस कदर बढ़ गई थी कि उनकी जिंदगी खुद ही एक इम्तिहान बन गई थी। अपने खिलाफ रची जा रही साजिशों से वो मुकाबला करती रही, वो बिना उफ किए संघर्ष करती रही, लेकिन आखिरकार नसीब और काबिलियत के खेल में नसीब की जीत हुई। और विडंबना देखिए कि फिल्म नसीब में सुमन जी ने फिल्म में जिंदगी इम्तिहान लेती है गीत गाने के बाद हिंदी सिनेमा की प्लेबैक सिंगिंग को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के संगीत में सुमन कल्याणपुर हो जाना कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये परिपाटी आज के परिपेक्ष में भी दिख रही है। अगर हम इस घटना को आज के परिपेक्ष में देखें तो आज लगभग बहुत से ऐसे सिंगर हैं जिनकी प्रतिभा की कुर्बानी ली जा रही है। बेशक हिंदी सिनेमा के संगीत में लता जी ने चार चांद लगाए, लेकिन इन चांदों की संख्या 8 होती अगर सुमन कल्याणपुर जी की प्रतिभा का भी उतना ही सम्मान हुआ होता। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यकीन मानिए, आपका फीडबैक हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। उम्मीद है आप हमें प्रेरित करते रहेंगे। अगर आप अपनी फरमाइश या कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे हिंदी सिनेमा से जुड़े ऐसे ही कई नायाब किस्सों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। टैंकों की हर चाल तीव्र थी और हर बार घातक। दो परमाणु संपन्न देशों के बीच यदि युद्ध होता है तो ये काफी घातक हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पे हो रही है? गलत, यहाँ भी हो रही है। देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका। इंडिया ने हमेशा एक नौटंकी किस्म का काम किया जिंदगी में। प्यार का सपना
राहों में शाम सवेरे। जिंदगी अभी भी वो बाइक से टर्किश गाने उठाती, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। मिल जाएगा एक साथिया वो मेरी जान। भारतीय सिनेमा उद्योग में संगीत रचना एक सबसे दुर्गम कार्य माना गया और ये है भी, लेकिन कुछ संगीतकारों ने इस दुर्गम कार्य को बहुत ही आसान बना दिया और ये आसान बनाने का सबसे बढ़िया तरीका था कॉपी और पेस्ट।